डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग नए टॉपिक से, और आज का टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया था, और अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएबिलिटी से। तो देखिए, कंटिन्यूटी में हमने एक चीज़ देखा था क्या कि LHL, RHL और FOFC तीनों आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उनमें से कोई भी अगर एक अनइक्वल हो जाता है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, आपका डिसकंटिन्यूअस, यानी कि फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस भी हम लोग कह सकते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी में अब हमारे पास, जैसे वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते थे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वहाँ पे राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते थे यहाँ पे क्या आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो वहाँ पे तीन पॉइंट हम चेक करते हैं, LHL, RHL और FOFC, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग LHD और RHD को कैलकुलेट करेंगे, और अगर दोनों अगर आपका इक्वल हो जाता है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो देखिए, तो लेट f(x) बी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल AB, यानी फंक्शन ऑफ x जो है एक इंटरवल में आपका डिफाइन किया हुआ है AB, एंड लेट c इज एन एलिमेंट ऑफ AB, यानी c जो है उस AB इंटरवल के बीच में कोई भी पॉइंट आपका रियल वैल्यूड फंक्शन आपका हो सकता है। ठीक है, तो f(x) इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट x = c, यानी फंक्शन ऑफ x उस c पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कहलाएगा, कब, इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू c माइनस f(x) माइनस fc/x माइनस c इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू c प्लस f(x) माइनस fc अपॉन x माइनस c, यानी इसी को हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसको कहते हैं हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये दोनों जब आपस में इक्वल होंगे तब हम लोग कहेंगे क्या कि ये फंक्शन आपका x = c पर डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, तो इसको जो है और भी हम जनरलाइज करके क्या ले सकते हैं कि दिस एम्प्लॉय, इसको हम क्या ले सकते हैं डायरेक्टली h वाले फंक्शन में, h → 0 f(c - h - f(c), और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस h आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आते हैं h → 0 f(f), यहाँ पे क्या हो जाएगा c + h - f(c), और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका h आ जाएगा। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका यही है, क्योंकि हम लोग h में ही कन्वर्ट करते हैं। तो जब आप LHL निकाल रहे हो, LHD कैलकुलेट करो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट h → 0 f(c - h - f(c)-h, और यहाँ पे जब प्लस के लिए करोगे राइट हैंड के लिए तो c + h हो जाएगा, और यहाँ पे जो निगेटिव एच था वो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव एच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका जो है ये आपका मेन हो गया, जो आपका यूज में आएगा, इसी के बेस पे आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, RHD यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव। वहाँ पे LHL था, यहाँ पे LHD हो गया, वहाँ पे RHL था, अब क्या हो गया, RHD हो गया। तो दिस इज द f - x भी हम लोग कह सकते हैं, यानी कि c पे, तो यानी कि f - c, तो f - c का वैल्यू क्या हो गया दिस। तो अगर ये दोनों वैल्यू अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उसको हम कहेंगे क्या, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = c। तो ये फॉर्मूला आपको बस ध्यान में रखना है, लिमिट h → 0 f(c - h - f(c)-h, दैट इज द LHD, लिमिट h → 0 f(c + h - f(c) / h, दिस इज द RHD। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर कुछ एग्जांपल्स लेके आगे बढ़ते हैं। देखिए, एग्जांपल आपका है, शो दैट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू दिस, ये आपका फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, इज डिफरेंशिएबल एट x = 3, यानी आपको प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है आपका x = 3 पे क्या आपका डिफरेंशिएबल है। ऑल्सो फाइंड f - 3, और साथ ही साथ आपको 3 पे उसका डिफरेंशिएबल वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए, तो रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या कैलकुलेट करना है, LHD और RHD दोनों को कैलकुलेट करके अगर वो इक्वल आ जाता है तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो LHD हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिखेंगे LHD। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था हमारा, लिमिट h → 0 f(f) क्या था हमारा, f(f) यहाँ पे क्या लिखेंगे, c - h - f(c) / क्या था, -h, दिस इज इक्वल टू लिमिट h → 0। अब देखिए, c - h, इसका मतलब क्या है, c का वैल्यू क्या आपका है 3, x = 3, वही था ना, x = c पे, तो हमें 3 पे चेक करना है, तो c का मतलब क्या हो गया आपका 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, f(3 - h - f(3) और डिवाइडेड बाई -h। अब सवाल ये उठता है कि f(3 - h) क्या होगा, तो LHL का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में क्या था, वो x → c - था ना, यानी कि यहाँ पे x → क्या है, 3 - है, तो 3 - का मतलब, 3 - के लिए वैल्यू कौन सा आएगा, 12x - 13,
हम लोग जो LHL कैलकुलेट कर सॉरी LHD जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 3 पर ना, यानी कि 3 माइनस, तो 3 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा आएगा, 12x-13। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट एस टेंस टू जीरो 12x की जगह पे क्या 3 माइनस एच माइनस 13, ये तो हो गया वैल्यू किसका, एफ ऑफ 3 माइनस एच का, माइनस एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 के लिए फंक्शन कौन सा आएगा 3 इक्वल टू, क्योंकि c की जगह पे क्या आ गया 3, तो x इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन क्या है 12x-3, तो 12 × 3 - 13, इसको भी हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका माइनस एच। ये मेन कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को यहीं पर होता है कि ये वैल्यू क्या लें, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आप LHL कैलकुलेट करो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि 3 माइनस, तो 3 माइनस के लिए लेस देन 3 वाला फंक्शन कौन सा 12x-3, तो 12x-3। अब सवाल ये होता है कि x की जगह पे क्या रखना है, x की जगह पे यहाँ पे क्या है 3 माइनस एच है, तो जहाँ जहाँ इस फंक्शन में x है वहाँ पे आप 3 माइनस एच पुट करोगे, माइनस एफ ऑफ c यानी कि x इक्वल टू 3 का, तो x इक्वल टू 3 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है 12x-13, तो 12x-13 डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो लिमिट h टेंस टू 0, अब इसको आप सॉल्व करो 36 माइनस 12h माइनस 13 माइनस 36 माइनस माइनस प्लस 13 डिवाइडेड बाई क्या आ गया आपका माइनस एच, माइनस 36 माइनस 13 प्लस 13। अब जरा देखो क्या बच गया, माइनस 12h बाई माइनस एच, ये माइनस एच और माइनस एच कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ दिस इज इक्वल टू 12, यानी LHD का वैल्यू क्या आ गया आपका 12 आ गया। अब इसी तरीके से आप क्या कैलकुलेट करोगे RHD यानी राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या कहता है लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ क्या था आपका 3 प्लस एच हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा f ऑफ 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे h हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब सवाल वही उठता है f ऑफ 3 प्लस एच का वैल्यू क्या होगा, तो 3 प्लस एच का मतलब x टेंस टू 3 प्लस यानी कि 3 से ज़्यादा, तो 3 से ग्रेटर के लिए वैल्यू कौन सा है 2x² + 5, तो यहाँ पे क्या लेंगे 2x² की जगह पे क्या हो जाएगा 3 प्लस एच का स्क्वायर 2x² हो गया प्लस 5 प्लस 5 आ गया माइनस, अब f ऑफ 3 का वैल्यू तो यही रहेगा ना, क्योंकि इक्वल टू 3 के लिए तो ये फंक्शन डिफाइंड है, तो माइनस 12 × 3 और प्लस 13 हो जाएगा डिवाइडेड बाई h, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है माइनस ऑफ एफ ऑफ 3, क्योंकि माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस 13 मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर। अब देखिए दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, इसको आप ब्रेक करो 2 × 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h प्लस 5 माइनस 36 और प्लस 13 डिवाइडेड बाई h, सॉल्व करेंगे इसको लिमिट h टेंस टू 0 2 × 9 = 18 प्लस 2h² प्लस 12h, अब देखिए 13 और प्लस 5 18 माइनस 36 क्या हो जाएगा माइनस 18 डिवाइडेड बाई h, अब देखो यहाँ से माइनस 18 प्लस 18 कैंसल, यहाँ से आप h से डिवाइड करोगे तो ये भी आपका आई थिंक हो जाएगा कैंसल, तो क्या बचेगा सिर्फ 2h प्लस 12, देख लो h कॉमन कैंसल, क्या बच जाएगा यहाँ से 2h प्लस 12, वैल्यू रखोगे क्या आएगा 2 × 0 ये पूरा फंक्शन 0 प्लस 12 क्या आ गया लिमिट आपका 12। अब जरा देखो आ गया मजा, देखो कितना आनंद आया, LHD = 12 RHD = 12, क्या प्रूफ करना था हमें डिफ्रेंशिएबल, हो गया प्रूफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे सेंस LHD = RHD देयरफोर f ऑफ x इज डिफ्रेंशिएबल एट x = 3, ये आपका हो गया पहला पार्ट तो आपका कंप्लीट। तो LHD आपको सिंपली कैलकुलेट करना है, RHD कैलकुलेट करना है, दोनों इक्वल आ गया तो डिफरेंशिएबल अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑल्सो फाइंड f'3, f' का मतलब क्या होता है dy/dx को हम लोग डैश कहते हैं, हम लोगों ने 11th में पढ़ा था डिफरेंशिएशन, f'x का मतलब क्या है दैट इज द डिफरेंशिएबल, तो हमें f'3 यही LHD RHD जब डिफरेंशिएबल है तो जो इसका वैल्यू होता है उस पॉइंट पे वही आपका क्या होता है उस फंक्शन का वैल्यू होता है डिफरेंशिएशन का, यानी कि f'3 का भी वैल्यू क्या होगा 12 होगा। ये जो हम लोग ने LHD निकाले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो जब ये डिफरेंशिएशन वैल्यू आपका 12 आ गया उसी पॉइंट पे निकालो ना 3 पे, ठीक है, तो जो ये वैल्यू 3 पे निकला वही आपका क्या हो गया f'3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देयरफोर f'3 इज इक्वल टू 12, ये आपका हो गया आंसर, क्योंकि ये उसी पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं x इक्वल टू 3 पे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आ गया और उनका ही जो वैल्यू आएगा दैट इज द डिफरेंशिएबल वैल्यू ऑफ f ऑफ x
एट एक्स इक्वल टू थ्री। एफ डैश थ्री का मतलब क्या कहेंगे इसको, अगर हम इसको रीड करें कैसे लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू थ्री, तो वो यही आपका वैल्यू हो जाएगा एफ डैश थ्री इक्वल टू ट्वेल्व। तो ये था हमारा डिफ्रेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन, कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, डिफाइन किया हुआ आपका, इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू वन, यानी कि एक्स इक्वल टू वन पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये फंक्शन जो आपका है डिफरेंशियबल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो जब डिफरेंशियबल है इट मीन्स कि एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग एल एच डी और आर एच डी को इक्वेट करके चलेंगे और उससे हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए एल एच डी, तो एल एच डी हमारा क्या होता है डेफिनेशन, लिमिट एस टेंस टू जीरो, एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई माइनस एच, दिस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो, क्योंकि c का वैल्यू क्या है वन है ना, x इक्वल टू सी, सी का वैल्यू क्या है वन है। तो अब हमें वन माइनस एच लेस एल एच डी जब कैलकुलेट करेंगे तो x टेंस टू वन माइनस, यानी कि x लेस देन वन वाला फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखोगे, वन माइनस एच का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन माइनस एच और प्लस a, ये तो हो गया f ऑफ वन माइनस एच। अब हमें चाहिए f ऑफ वन, तो अब देखो कि x इक्वल टू वन के लिए कौन सा फंक्शन है, तो x इक्वल टू वन के लिए भी यही फंक्शन है, तो माइनस यहाँ पे आप एक ब्रैकेट ले लो, इस पूरे फंक्शन में वन रख दो जहाँ जहाँ x है, तो वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन और प्लस a, ये आपका हो गया दिस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका माइनस h। अब देखिए लिमिट s टेंस टू जीरो, इसको आप सॉल्व करोगे तो वन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच प्लस थ्री माइनस थ्री एच प्लस a माइनस वन प्लस थ्री फोर, और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाई माइनस h, ये a और a कैंसिल, ये माइनस फोर थ्री वन कैंसिल, थ्री प्लस वन फोर, फोर माइनस फोर कैंसिल। अब जरा देखिए दिस इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू जीरो माइनस टू एच माइनस फाइव एच क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस टू एच माइनस एच माइनस फाइव एच, तो यहाँ से आप h कॉमन ले लो तो h माइनस फाइव लिख सकते हो और डिवाइडेड बाई माइनस h, देखो h स्क्वायर और माइनस फाइव एच हो गया, ये h और h आपका कैंसिल, लिमिट रखिए इसमें क्या आएगा फाइव, यानी कि एल एच डी का वैल्यू क्या आ गया आपका फाइव आ गया। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे आर एच डी, तो अब देखिए आर एच डी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस h माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई h, तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू जीरो, वन प्लस h का मतलब ग्रेटर देन वन वाला फंक्शन, यानी कि bx प्लस टू, तो b इंटू एक्स है तो वन प्लस h प्लस टू हो जाएगा, माइनस f ऑफ वन का वैल्यू, ध्यान से देखिएगा f ऑफ वन तो इक्वल टू वन के लिए तो फंक्शन यही वाला यूज होगा ना। ठीक है, तो उसका वैल्यू अगर हम चाहें तो डायरेक्ट हम रख सकते हैं क्या, देखिए तो यहाँ पे कितना आया था फोर प्लस ए आया था ना, तो यहाँ पे कर देंगे माइनस ऑफ फोर माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ये तो सेम आपका रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं, तो डायरेक्ट हमने क्या दिया माइनस फोर माइनस ए डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एच। ठीक है, अब जरा देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं आगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो, यहाँ से इसको ब्रेक कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका बी प्लस बी एच, टू माइनस फोर क्या हो जाएगा माइनस टू और माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। अब इसको जो है हम लोग लिमिट एस टेंस टू जीरो, इसको देखिए बी प्लस बी माइनस टू माइनस ए बाई एच लिख सकते हैं ऐसा, देखिए यहाँ पे बी एच है तो बी एच बाई एच करेंगे तो केवल बी हो जाएगा, प्लस बी माइनस टू माइनस ए बाई एच अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर दिया हमने। अब जरा देखिए यहाँ पे जब आप h का वैल्यू अगर आप रखोगे तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट प्लस b क्या होगा, ये भी आपका इनफाइनाइट होगा, लेकिन क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल अगर है इसका मतलब कि h का वैल्यू यहाँ पे जीरो रखने पर ये वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए आपका जीरो आना चाहिए, लेकिन आपको ऐसा दिख रहा है कि ये जीरो नहीं होगा इन्फिनिटी हो जाएगा रखने पर, लेकिन ये आपका जीरो होगा तभी ये फंक्शन आपका क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि इन्फिनिटी जब होगा तो इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो क्या होगा आपका इनफाइनाइट ही आएगा, लेकिन चूंकि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है इट मीन्स कि इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए आपका जीरो के बराबर होना चाहिए, क्योंकि b प्लस जीरो करेंगे तो कोई वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आएगा। क्लियर, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि सिंस f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू वन, देयर फोर इसका वैल्यू क्या होना चाहिए आपका शुड बी इक्वल टू जीरो, तो जब ये जीरो होगा तो जीरो प्लस बी यानी कि बी आ जाएगा,
तो LSD और RSD इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब कि B का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 के बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि B माइनस टू माइनस ए बाई एच इज इक्वल टू जीरो एंड B इज इक्वल टू 5। ये होगा आपका, क्योंकि दोनों बराबर कब कब होगा, जब B का वैल्यू 5 के बराबर होगा तभी ना। और ये क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए। तो अब देखिए, जब ये आपका जीरो होगा तो यहाँ पे बी माइनस टू माइनस ए इक्वल टू जीरो, अब इस बी का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 5 माइनस 2 माइनस ए इक्वल टू जीरो, देयर फोर ए इक्वल टू क्या आ गया 3। तो ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 5। अब आप रख के चेक कर सकते हो, यहाँ पर रखो, यहाँ पे 5 माइनस 2 3 3 माइनस 3 जीरो, जीरो बाई एच क्या आ गया 0, यानी बी का वैल्यू क्या आ गया 5। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आके स्टूडेंट्स सोचे पड़ जाएंगे करें क्या, क्योंकि h का रखने पर तो जीरो आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ कि डिफरेंशियबल है, इट मीन्स डिफरेंशियबल तभी होगा जब ये वैल्यू आपका जीरो के बराबर होगा। और ये जब जीरो के बराबर हो जाएगा तो जीरो प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर, LSD के बराबर होना चाहिए, तो 5 के बराबर हो जाएगा, इसलिए बी का वैल्यू क्या हो गया 5, और इसको हमने जीरो कर दिया, इसमें बी का वैल्यू वापस यहाँ से लेकर हमने पुट किया तो 5 माइनस 2 माइनस 8 इक्वल टू क्या आ गया आपका 3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन, कुछ और भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो अब जो है एक नया क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए, इफ एफ इज, एफ का मतलब फंक्शन, इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, सो दैट एफ डैश 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश 7/2। यानी आपको ये प्रूफ करना है। तो हमारे पास फंक्शन जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, सिंगल फंक्शन, इसमें कोई कंडीशनल आपका नहीं है, डायरेक्ट आपको एफ डैश 5 कैलकुलेट करना है और 2 × f′7/2 कैलकुलेट करके उसको इक्वेट करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो एफ डैश 5 का मतलब क्या हो गया, डेरिवेटिव आपको निकालना है किस पॉइंट पे, 5 पे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे LHL RHL कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप करोगे तो एफ डैश 5 इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0, यहाँ पे क्या लोगे आप, एफ ऑफ 5 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 5 डिवाइडेड बाई एच। अब सिंपल क्या लेंगे हम लोग, 5 प्लस एच माइनस एफ 5 डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो एक तरह से क्या है, RSD है, ठीक है। अब देखिए, दिस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 5 प्लस एच, यानी कि इसमें क्या रखोगे, 5 प्लस एच रखोगे, तो 5 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 4 × 5 + h और प्लस, सॉरी 5 प्लस एच और यहाँ पे क्या जाएगा आपका प्लस 7 माइनस, अब आपको रखना है क्या है, एफ ऑफ 5, यानी इसी में रखोगे 5 जहाँ जहाँ x है, तो क्या हो जाएगा 5s² माइनस कर रहे हो तो ये माइनस माइनस कर जाएगा प्लस, तो प्लस 4 × 5 और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 7 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या रखोगे आप, h, क्लियर। अब देखिए, लिमिट s टेंस टू 0, ठीक है, एफ ऑफ 5 प्लस एच के लिए जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ आपने 5 प्लस एच रख दिया, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 5 के लिए जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पर 5 रख दिया आपने, तो माइनस कर रहे हो इसलिए प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इसको आप ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा 25 प्लस एच स्क्वायर प्लस 10h माइनस 20 माइनस 4h, ये 7 और 7 तो यहीं पे कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, तो यहाँ पे 4h, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ गया आपका h, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल, माइनस 25 ये कैंसिल, 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा आपका 6h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से h कॉमन निकाल सकते हो आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा h और प्लस 10 माइनस 4 क्या होगा 6 डिवाइडेड बाई h, ये h और h कैंसिल, लिमिट रखोगे क्या आएगा 6, यानी कि f डैश 5 का वैल्यू क्या आ गया आपका 6 आ गया, ये तो कैलकुलेट हो गया। अब आप क्या निकालोगे, नाउ अब आप निकालोगे f डैश 7/2, तो f डैश 7/2 फिर से वही प्रोसेस, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या लिखोगे f ऑफ 5 था तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 7/2 प्लस h माइनस f ऑफ 7/2 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे h, फिर से वही चीज, तो 7/2 प्लस h होल स्क्वायर क्योंकि x स्क्वायर है माइनस 4 × 7/2 प्लस h और वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस 7 माइनस, अब 7/2 रखना है तो 7/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 49/4 प्लस क्या हो जाएगा आपका 4 × 7/2 और यहाँ पे क्या जाएगा आपका माइनस 7 डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका h। अब देखिए यहाँ पे तो वही चीज लिमिट h टेंस टू 0, अब इसको आप ब्रेक करो, यहाँ तक क्लियर है आपका, तो इसको जो है मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये वैल्यू इसको कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए उसी तरह से इसको सॉल्व करना और लिमिट रख देना आपको लास्ट में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0,
ये क्या हो जाएगा आपका 49/4 प्लस एच स्क्वायर, 2ab करोगे तो क्या आ जाएगा आपका प्लस 7h, माइनस यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 14 प्लस 4h, ये 7 और ये 7 आपका कैंसिल, माइनस ऑफ 49/4 और ये क्या हो जाएगा प्लस 14, राइट, डिवाइडेड बाय h, ये देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 7h, ये 49/4 ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यहाँ से देखो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पे h, 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा प्लस आपका 11, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका h, यहाँ पे देखो एक मिनट चेक करो फिर से कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, तो एक्स स्क्वायर 7 बाई 2 प्लस h माइनस 4, 7 बाई 2 प्लस h प्लस 7 माइनस 49/4, एक्स स्क्वायर का ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 7 बाई 2 और माइनस 7, ये आपका कैंसिल, 7 इंटू 2 14, ये आपका आ गया प्लस 14 आपका आ गया 49/4 आ गया आपका, यहाँ से आपका क्या आ गया माइनस 4h, सॉरी यहाँ पे क्या था आपका माइनस 4h, तो 7h माइनस 4h क्या हो जाएगा आपका 3, अब ये सही हो गया, दिस इज ये h और h आपका कैंसिल, यहाँ पे लिमिट रखोगे क्या आएगा 3, क्लियर है। अब जरा देखो LHL आपका क्या आया था, सॉरी LHS का वैल्यू कितना आया आपका, इसका वैल्यू कितना आया था 6 आया था, ये देखो 6 आया था, एफ डैश 7 बाई 2 का वैल्यू क्या आ गया 3, ठीक है, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एफ डैश 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश 7 बाई 2, हो गया प्रूफ, एफ डैश 5 का वैल्यू क्या आया है 6 और एफ डैश 7 बाई 2 का वैल्यू क्या आ गया आपका 3, तो 2 इंटू 3 करोगे तो क्या जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये आपका हो गया प्रूफ। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए एफ डैश डायरेक्ट निकालने का, तो वहाँ पे अब हमें LHD RHD कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उस फंक्शन को RHD वाले फॉर्मूले पे रख सकते हो डायरेक्टली, एफ ऑफ आपका क्या हो जाएगा सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये था आपका क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन समझ लेते हैं, तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, इफ फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 कॉमा एफ डैश 5 इज इक्वल टू 97 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी कि ये जो फंक्शन है इसके लिए एफ डैश 5 यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 5 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 97, यानी एफ डैश 5 का वैल्यू 97 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो बस आपको एफ डैश 5 इक्वल टू 97 को आपको लेके चलना है, लैम्डा का वैल्यू आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन, तो एफ डैश 5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 5 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 5 डिवाइडेड बाई एच, इसके वैल्यू की जगह हम डायरेक्ट क्या रखेंगे 97 इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे एफ ऑफ 5 प्लस एच रखिए, वहाँ पे लैम्डा 5 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 5 प्लस एच और माइनस 4, फिर माइनस, अब क्या रखेंगे हम लोग एफ ऑफ 5 यानी कि लैम्डा इंटू 5 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 और प्लस 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे h, क्लियर है। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 5 प्लस एच, पहले हमने 5 प्लस एच अगर लेमडा इंटू 5 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 5 प्लस एच माइनस 4, माइनस करेंगे सारे वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस लेमडा 5 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 और माइनस माइनस प्लस 4, ये प्लस 4 और ये माइनस 4 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा 25 प्लस एच स्क्वायर प्लस 10 एच होगा। अब देखिए प्लस 35 प्लस 7 एच माइनस 25 लेमडा माइनस 35 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा आपका एच, दिस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 25 लेमडा प्लस लेमडा एच स्क्वायर प्लस 10 एच इंटू लेमडा, ये माइनस 35 और ये कैंसिल, यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग 7h माइनस 25 लेमडा डिवाइडेड बाय h, ये आपका और ये आपका कैंसिल, ओके। अब यहाँ से आप h कॉमन निकालिए, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका लेमडा इंटू h प्लस 10 लेमडा प्लस 7 डिवाइडेड बाय h, ये h और ये h आपका कैंसिल हो गया, और ये सारा वैल्यू किसके बराबर है 97 के, क्योंकि ये तो आपका दिया हुआ है गिवन कंडीशन है। अब इसमें आप लिमिट रखो तो क्या हो जाएगा, ये टर्म आपका 0 प्लस 10 लेमडा और प्लस क्या हो जाएगा आपका 0, तो 10 लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 97, तो यहाँ से
एक बार फिर से आप चेक कर लेते हैं हम लोग, 25 लैम्डा प्लस लैम्डा एच स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा एच प्लस 7h माइनस 25 लैम्डा, दिस एंड दिस कैंसिल आउट हो गया आपका, यहाँ से h आपका यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका 7 आएगा, 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 लैम्डा प्लस 7, अब क्लियर है। अब 97 माइनस 7 क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 10 लैम्डा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं पे मैं कर देता हूँ, चलो यहाँ पे कर देता हूँ, तो 10 लैम्डा इज इक्वल टू 90, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया 90 अपॉन 10, दिस इज इक्वल टू 9, यानी कि लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया आपका 9, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे एफ डैश 5 का वैल्यू दिया हुआ था, बस आपको फॉर्मूले पर रखना था, उसको इक्वेट कीजिए इक्वेशन को और आपका ये आ गया, तो इस तरह से दिस हो गया। तो ये था हमारा आज के क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट्स इस चैप्टर के, डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के, तो इस तरह से जो है हम लोगों ने आज डिफरेंशिएबिलिटी हम लोगों ने देखा, तो सॉरी तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट कुछ नए क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।